ज़िला पुंछ के चंडक इलाके की आवाम ने आज सरकार से नाराज़गी का इजहार किया। ज़िला इंतज़ामिया पुंछ के सामने उन्होंने अपने कई मामलात और मतालबात रखे। आवाम का कहना है कि चंडक की ज़रख़ेज़ ज़मीन से इस वक्त 4 लाइन सड़क बनाई जा रही है और जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे पर इस वक्त 4 लाइन बनाने के लिए काम तेज़ी से चल रहा है। चंडक के लोगों ने कहा कि यहाँ पर हमारी ज़मीनों से सर्वे किया गया है और अब सड़क निकालने का काम भी शुरू कर दिया गया है, लेकिन हमें माकूल मुआवजा नहीं मिल रहा है। आवाम का कहना है कि हमारी ज़मीनों के हिसाब से हमें मुआवजा अदा किया जाए, हमारी फाइल्स बनाई जाएँ और उसके बाद इस सड़क का काम यहाँ पर शुरू किया जाए। लोगों ने वहाँ पर गई मशीनरी को भी रोक दिया और सरकार और इंतज़ामिया के सामने अपने मसाइल रखते हुए कहा कि हम उस वक्त तक यहाँ काम नहीं लगने देंगे जब तक हमारे मुआवजे की फाइल्स नहीं बनती हैं और हमें ज़मीन के हिसाब से माकूल मुआवजा नहीं मिलता है। सुनिए अवामी तासुरात। लेकिन वो सब कुछ कुछ नहीं किया, कोई हिंदी की अखबार थी, पंजाब की, पता नहीं कौन सी, उसमें निकाल के पढ़ते पढ़ते में उसको वो कर दिया कि हमने नोटिस निकाल दिया। तो उसके बाद सर हमने बहुत दौड़ धूप की, यहाँ से मैं डिपकॉम साहब के पास गया तो उन्होंने कहा डी साहब करेंगे। डी साहब तो बड़े अच्छे आदमी हैं हमारी, वो हर हिसाब से मदद करते हैं, लेकिन आप करें क्या, उनसे पहले इन्होंने सब कुछ कर दिया है, बेड़ा घर हमारा। तो अब उसके बाद आज तक भी हमें नहीं ये बता रहे कि हम आपको मुआवजा क्या देंगे। तो ऐसे ही मशीन लगा ली, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी 20 फुट ऊपर चले जाते हैं, कभी 10 फुट नीचे चले जाते हैं। तो इसलिए सर हमारे पास थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं। आज इस वक्त चंडक के अंदर अगर 5-6 लाख रुपए मरला ज़मीन खरीदो तो नहीं मिलेगी, तो हमें पता ही नहीं मुआवजा, हम अपने बाल बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे। थोड़ी थोड़ी ज़मीन जो है कि कुनाल है वो भी रोड में आएगी, तो हम अपने बाल बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे। तो इस तरीके से कम अज़ कम इस आवाम के साथ इंसाफ होना चाहिए, तो यहाँ किसी अफसर को आने चाहिए, कोई पब्लिक के साथ मीटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, पब्लिक को बुलाना चाहिए, पब्लिक के साथ मीटिंग करनी चाहिए, भाई हम आपकी ज़मीन दे रहे हैं, आपको ये मुआवजा देंगे, ये देंगे। पब्लिक का ऑब्जेक्शन जो है वो ऑन स्पॉट मौके ऊपर सुनना चाहिए, कोई आता ही नहीं है यहाँ पे, ना कोई अफसर है ना कोई है, खाली मशीन लगाई है तो वो बस वो चल रहे हैं जैसे वो। जो हमने ऑब्जेक्शन दिए वो इन्होंने लगाए, तो इसके बाद हमने कोई 10 बार ऑब्जेक्शन दिए तो हमारा कोई ऑब्जेक्शन जो है वो साथ में नहीं लगाया। तो फिर ऊपर लिखते हैं जी कोई किसी का ऑब्जेक्शन नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया, आज तक हमारे पास 3-4 ऑब्जेक्शन पड़े हुए हैं। सारी है गवर्नमेंट, क्योंकि इससे पहले बिजली वालों ने ज़मीन ली, टावर बने, तो 14 लाख रुपया उन्होंने एक कुनाल का दिया, तो वो यूटी से पहले दिया। अब यूटी जो एक्स्ट्रा दे रही है तो फिर आज उसके ऊपर देना चाहिए। उसके बाद कलाई ब्रिज बना तो वहाँ पे इन्होंने 1.5 लाख रुपया मरला का मुआवजा दिया, वो भी यूटी से पहले दिया, उसके ऊपर मना 100% जबराना लगाओ कितना बनता है। तो ये तो वो जो 1.5 लाख रुपया पुल का मुआवजा दिया तो ये तो उसके मुकाबले में भी नहीं है। यूटी का फिर हमें क्या फ़ायदा हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या स्कीम है हमारे साथ, कुछ भी नहीं है जी। इशू बेईमानी है, जो अगले डीसी ने किया है बस उसी पर चल रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें होती हैं। बात यह है कि रोड तो निकलेगी, अब रोड से इंक्वायरी नहीं करते, रोड निकलेगी लेकिन उसमें ये देखना है कि इन लोगों के अकाउंट लिए सबको लिया, कंपनसेशन कोई मुकर्रर नहीं हुआ, क्या है क्या नहीं वो पता लोगों को नहीं है। फिर दूसरा ये है कि इन्होंने गाड़ियाँ लगा दी, JCP चली आ रही है, लेकिन साथ देखें कोई इंफॉर्मेशन लोगों को नहीं, रेट का पता नहीं, किसी के खाते में अभी पैसा नहीं डाला। लाइन जो निकल रही है काफ़ी अर्सा से प्रोसेस इनका चल रहा है, इन्होंने 3 सर्वे किए, कभी नीचे कभी ऊपर कभी, चलो जो भी इन्होंने मुकम्मल किया है, लेकिन अभी तक लोगों को पता ही नहीं कुछ, और कोई आर्डर नहीं है। तो मशीन इन्होंने लगवा दिया, उनके बंदों से हम पूछ रहे हैं कि आप बताओ आपके पास कोई आर्डर है, कोई रेवेन्यू ने लोगों को कुछ बोला है कि आप अपनी फसल ना बो, कुछ टाइम दिया है, कोई नोटिस कोई निकाला है, तो किसी ने कुछ नहीं, कोई ऑर्डर नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसे ही इन्होंने मशीनें लगा रही,